भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोला है। वीडी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा जो भारत जोड़ो नहीं है, अब तो साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है, इसे भारत तोड़ो यात्रा ही कहा जा सकता है। वहीं आगे वीडी शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। राहुल गांधी की यात्रा जो भारत जोड़ो नहीं, बहुत साफ तौर पर अब तो स्पष्ट हो गया है कि एकदम भारत तोड़ो यात्रा ही उसको कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी, कांग्रेस और उनके लोग जो कर रहे हैं कि उस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और कल तो उन्होंने इंदौर की सभा में जो कहा कि चीन की सेना से ज्यादा खतरा जीएसटी और नोटबंदी कानून को है। दुर्भाग्य है कि आप एक दिन पहले बाबा साहब अंबेडकर के जन्मभूमि पर जाकर और वहां से लौट करके आप आते हैं और भारत के कानून, जो संसद में कानून बनता है, उस कानून का मखौल उड़ाते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपका चीन से इतना प्रेम क्यों है? और यह मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस का चीन से अपना बड़ा पुराना नाता है और उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब वाणिज्य कर मंत्री थे तब उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को लाभ दिलाने के लिए चीन को मदद जो की थी, जो हम सब लोगों ने और पूरे देश ने इस बात को देखा है। संसद के अंदर उनकी आदत रही है कानून का मखौल उड़ाना। उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में बिल को संसद के अंदर फाड़ करके फेंक देना, अब वो सामान्य है या असामान्य है? तो इस प्रकार की घटना भी इस देश के अंदर एक जिम्मेदार सांसद, मैं तो जिम्मेदार इसलिए कह रहा हूं कि वो सांसद हैं, सदन का, इस भारत के कानून बनाने वाले सदन का वो हिस्सा है, उनका इस प्रकार का बयान आना, क्या उन्होंने बिल को फाड़ के फेंक दिया था? विकिलीक्स के अंदर तो राहुल गांधी जी ने कहा था इस देश के अंदर कि अलकायदा जो आतंकवाद का इस दुनिया का चेहरा है, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि अलकायदा से ज्यादा खतरा आरएसएस से है, ये उनका चरित्र रहा है। और इसलिए तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या जो कांग्रेस का नेतृत्व है, वो ये बताए क्या यह यात्रा एक मजाक बन गई है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कांग्रेस उसको ट्वीट करती है, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास, भारत के अंदर स्थिरता लाने का प्रयास कांग्रेस के नेतृत्व करता है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व के खिलाफ एफआईआर भी कराई है। और दूसरी ओर आप कहते हैं कि चाइना से हमें खतरा नहीं है। राहुल गांधी जी, यह देश आपसे जानना चाहता है, क्या आपको चाइना से ये कमिटमेंट मिला है दोस्ती के आधार पर? गैर जिम्मेदारा बयान एक इतने बड़े राजनीतिक दल के व्यक्ति के द्वारा देना, ये इस देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। देश की सुरक्षा से लेकर देश के स्वाभिमान पर आघात राहुल गांधी ने किया है, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। और इस प्रकार की यात्राओं के बारे में जो पहले भी हमने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, इसकी जांच होगी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे किसने लगाए? और मैं तो कहना चाहता हूं कि चाइना की प्रशंसा करना, वैसे तो उनके परिवार का इतिहास है कि कई बार सौगातें संसद के अंदर राहुल, माननीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किया था वो देश जानता है।
कांग्रेस का नेतृत्व चाइना के साथ जिस प्रकार की गलबहियां करता है वो भी देश जानता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की यात्रा में इस प्रकार की चीज़ों का घटित होना, ये देश इस बात का जवाब सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी और कांग्रेस से मांगना चाहता है। मैं वही कहता हूं ना, अरे आपके घर के अंदर जो घट रहा है, राहुल गांधी जी आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? आप इस मध्य प्रदेश के अंदर आए थे और आपने कहा था कि हम किसानों का कानून, किसानों का कर्जा माफ से लेकर के बेरोजगारों को भत्ता देने का काम करेंगे। इतना झूठ बोल करके भ्रम और छल कपट के आधार पर कोई सरकार बनी और 15 महीने के अंदर जो दुरावस्था का दौर मध्य प्रदेश के अंदर आया, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार, हर गरीब के हक और अधिकार को छीनने वाली सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के सहारे पर जो चल रही थी, आज के नेता प्रतिपक्ष कहते थे, गोविंद सिंह ने कहा था जब वो मंत्री थे इस सरकार के, कि पैसा ऊपर तक जाता है और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार है। जवाब दे, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार आपकी गिरी, लोगों को छोड़ के जाना पड़ा और आज मध्य प्रदेश जो गरीबों के हक और अधिकार को छीना था, आज उस हक और अधिकार को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन इतना झूठ और छल मध्य प्रदेश के साथ राहुल गांधी जी, आपको मध्य प्रदेश ने बहुत गंभीरता से पहचाना है, ये संभव हो नहीं सकता। एक और घटना हुई है इंदौर के अंदर, छदम हिंदुत्व, अंदर क्या है बाहर क्या है दिखाई देता है। राहुल गांधी जी आज खजराना गणेश मंदिर जाने वाले थे, बड़ा गणपति जाने वाले थे, बड़ा गणपति दर्शन करके यात्रा प्रारंभ होने वाली थी, लेकिन छदम हिंदुत्व सामने आ गया और बाहर आ गया कि वो गाड़ी से उतरे नहीं और सीधे चले गए इंदौर के जनता का, जो बड़े गणपति के प्रति इंदौर के एक एक नागरिक का जो भाव और सम्मान है, श्रद्धा का जो भाव है, उस पर आघात करने का काम राहुल गांधी जी आपने किया है, ये इंदौर की जनता भी आपसे पूछती है। सर एक और घटनाक्रम है, पुरी का बड़ा दुखद परिवार पूरा वहां गया, जो बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ, हालांकि ये सरकार का मैटर है लेकिन दूसरे स्टेट का मसला है, तो क्या इसको गंभीरता? वास्तव में ही एक बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना, मध्य प्रदेश के बीना का हमारा परिवार और वो बेटी वहां उस होटल के अंदर उड़ीसा के अंदर जहां पर थी, और जिस प्रकार की घटना हुई है दुर्भाग्यजनक है। हम सब उनके परिवार के साथ खड़े इस दुख की घड़ी में, लेकिन जिस प्रकार से उस घटना को अंजाम दिया गया है और उनके परिवार के पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम करा के लीपापोती करने का जो प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार उसमें सक्रियता के साथ उड़ीसा की सरकार से भी बात की है और उसको न्याय मिले, उसके परिवार के जन इस बात की जो मांग कर रहे हैं कि हमारी बेटी की हत्या हुई है, उनको न्याय मिलना चाहिए, हम सब उनके साथ खड़े, सरकार भी गंभीरता से उस पर काम कर रही है। कांग्रेस कह रही बीजेपी कार्यकर्ता हमारी रैली में, ये देश में अगर जय श्री राम और मोदी के नारे लगते हैं तो पूरा देश ही जय श्री राम में है। मोदी मोदी मैं पूरा भारत बन गया है। अब ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि अब आपका अस्तित्व कहां बचा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तुम्हारे उसमें लगते हैं तो उसका कष्ट नहीं होता है, लेकिन जय श्री राम के नारे लगते हैं तो कांग्रेसियों को और राहुल गांधी को कष्ट होता है। यही इनका अंदर का तत्व है जो ये भारत बहुत अच्छे तरीके से समझ